हाय मदन चलकर में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी में आप खुद ऐसी गलतियां करते हो जिन गलतियों की वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना होकर सी सेक्शन डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसी ही मैं 5 गलतियों की आज मैं बात करने वाली हूँ जो आपने अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करनी है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सके। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी 5 गलतियाँ हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर की। बहुत से लोग इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज में रहना जरूरी रहता है। अगर हम बात करें नॉर्मल रेंज की प्रेगनेंसी में तो आपको 90/60 से लेकर 130/90 के बीच में होना चाहिए, यानी 90/60 से लेकर 130/90 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका बीपी जो है 130/90 से प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा है तो उस केस में आपके लेबर पेन आते हैं, प्रसव पीड़ा शुरू होती है, तो उस टाइम पे बीपी और ज़्यादा बढ़ सकता है। और बीपी ज़्यादा बढ़ने की वजह से पेट के अंदर बच्चे के जो दिमाग की नसें हैं वो फट सकती हैं, ऐसे में बच्चे की जान को भी खतरा रहता है और आपकी सी सेक्शन डिलीवरी के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में उस टाइम बहुत रिस्क रहता है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका बेबी जो है बीपी ज़्यादा होने की वजह से बच्चा पेट में ही एक्सपायर हो गया था। तो प्लीज़ आप बीपी का अच्छे से ध्यान रखिए। बीपी ज़्यादा रहता है तो अपना नमक वाली चीज़ें, ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें वो नहीं खाएं और अपनी टैबलेट है वो टाइम टू टाइम लेते रहें। दूसरी चीज़ है अमनोटिक फ्लूड, यानी आपके जो पेट में पानी है उसका भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए नॉर्मल रेंज में रहना काफ़ी जरूरी रहता है। अगर हम बात करें कैसे आप पहचानेंगे कि पेट में पानी सही है, तो ये आपको डॉक्टर बता सकते हैं। आप डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते हो तो आपका डॉक्टर आपको पेट पे हाथ लगा के चेक करते होंगे, तो डॉक्टर को इससे डायग्नोस हो जाता है कि पेट में पानी ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। जो एक्यूरेट पता चलता है वो आपको पता चलता है अल्ट्रासाउंड से, तो इसलिए टाइम टू टाइम आपने अल्ट्रासाउंड करवाइए। आपकी AFI लिखा होता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, यानी अमनोटिक फ्लूड इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ये आपके 8 से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अगर आपका अमनोटिक फ्लूड 8 सेंटीमीटर से कम है तो उस केस में क्या होगा कि बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलेगी, बच्चे को न्यूट्रिशन सप्लाई है वो भी कम मिलती है, यानी जो भी बच्चे को पोषण मिलता है वो अमनोटिक फ्लूड के थ्रू ही बच्चे को मिलता है। अगर वो नहीं मिलता है तो उस केस में डॉक्टर आपको लेबर पेन आने का वेट नहीं कर सकते, उस केस में आपको पहले ही आपका डॉक्टर जो है सी सेक्शन से डिलीवरी कर देते हैं। अगर आपका अमनोटिक फ्लूड ज़्यादा है तो उस केस में भी बच्चे की ग्रोथ है वो प्रभावित होती है, बच्चे का मानसिक विकास है वो भी काफ़ी प्रभावित होते हैं, उस केस में भी जो है सी सेक्शन डिलीवरी होती है। तो इसलिए 8 से लेकर 18 सेंटीमीटर के बीच में आपका अमनोटिक फ्लूड होना जरूरी है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सके। तीसरी हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की यानी HB की। इसके नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये भी आपका नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। देखिए 12 से अगर आपका ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका कम से कम 9 ग्राम से ऊपर तो होना ही होना चाहिए। अगर आपका HB जो है 9 ग्राम से नीचे है तो उस केस में अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाते हो तो नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क रहता है, क्योंकि कई बार नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत ही रेयर है कि आपका 9 ग्राम से कम में आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाएं। हो सकता है कि आपके जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा दें, बट ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आपका जो हीमोग्लोबिन है HB है वो नॉर्मल रेंज में होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका HB कम है तो अपनी आयरन टैबलेट है वो आप ज़रूर खाइए, अपने जो है किशमिश है, किशमिश में काफ़ी आयरन रहता है, गुड़ में भी आयरन रहता है, आप जो है राजमा, काले चने, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें ताकि आपका जो है HB कम ना रहें, क्योंकि प्रेगनेंसी में HB की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, आपको बेबी को भी आपके थ्रू ही मिलता है, तो इसलिए अपने खाने पीने का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। चौथी हम बात करते हैं आपके वजन को लेकर। आपका वजन भी नॉर्मल रेंज में रहना जरूरी है। जो लोग प्रेगनेंसी से पहले
बहुत ही स्लिम है, बहुत ही दुबले पतले हैं, वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में जो है लगभग 15 से 20 किलो अगर आप वजन बढ़ाते हो तो आप ये नॉर्मल में माना जाता है। जो लोग प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल माने जाते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं एवरेज में आती हूँ, तो ऐसे लोग 11 से 16 केजी अपना जो वजन है वो बढ़ा सकते हैं। जो लोग बहुत मोटे हैं, बहुत प्रेगनेंसी से पहले काफ़ी ओवरवेट हैं, उनको 8-7 किलो से ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा रहता है तो उस केस में भी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी रिस्क रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पांचवी लास्ट हम बात करने वाले हैं बच्चे के वजन को लेकर। अगर हम बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी की नॉर्मल रेंज अगर हम बात करें तो 2.25 से लेकर लगभग 3.5 किलो तक आपका बेबी है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 3.5 किलो से अगर आपका बेबी ज़्यादा है तो उसी इसमें में क्या होगा कि बच्चे का जो सिर है वो भी हैवी होगा, और जब डिलीवरी होती है तो सबसे पहले बच्चे का हेड ही आता है, तो हेड अगर आपके बच्चे का बड़ा होगा तो आपके प्राइवेट पार्ट में फंस सकता है, तो उस केस में जो है आपके डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ सकता है। तो देखिए कोई रेयर केस ऐसे भी होते हैं जो 3.5 किलो से ज़्यादा 4 किलो तक बच्चे हैं वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम केस में ऐसा होता है, ज़्यादातर केस में लगभग 2.25 से 3.5 किलो के बीच में ही आपका जो बेबी का वजन है वो नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। वैसे तो एग्जैक्ट हम इंडिया में बात करें तो 2.5 किलो आपका बेबी का एवरेज वेट माना जाता है। तो ये थी कुछ बातें जो आपने प्रेगनेंसी में ही आपने पहले से ही ध्यान रखनी है, तो ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपकी पांचों चीज़ नॉर्मल रेंज में आती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।